मारे पोन ओ रे आगे सा सुधा बैठ दो भला था। और ये देखो दोनों देवरानी जेठानी सोए हैं। ये देखो पहुंची भाई, अभी हमारे छुट्टी आए हैं और आज इन्हीं की पार्टी भी लेनी है हमने। तुम्हारी न्यू व्लॉग गाइस, आज पहाड़ों का मौसम काफी बढ़िया हो रहा है, बारिश होने का मौसम हो रहा है और कितना अच्छा लगता है जब पहाड़ों में आप लोग ऐसे देखते हो धुआं उठ रहा है। वाह, मतलब इसको देख के पुरानी यादें जो है ताजी हो जाती हैं। अगर आप लोग बाहर से ये वीडियो देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो धुआं उठ रहा है, मच्छर भाग रहे हैं, भैंस वहाँ पे बैठा है और मम्मी वहाँ पे बैठी है, पूजा यहाँ पे बैठी है, गपशप मार रहे हैं सुबह सुबह सब। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी घर के सामने का माहौल इस ऐसा है। कपड़े धो के सारे तार में रखे हैं, देखो बच्चों को स्कूल भेज दिया। ये देखो इन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल भेज दिया है। एक भाभी जी ओ दूर से देख रहे हैं वहाँ से। चाचा हमारे यहाँ पे बैठे हैं। चाचा सही और संसार की हालत क्या हो गई भगवान। मैंने पूजा के लिए ये कान के झुमके भी बनाए थे, कैसे लग रहे हैं जरूर बताना। ये मैंने 27,235 रुपए के बने थे। ये इधर का कान भी दिखाओ, ये देखो दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं झुमके। ये नीचे से मुदगर वाले थे इसलिए कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे थे। ये देखो तो पूजा तुमको पसंद आए? बहुत पसंद आए। पूजा और मम्मी और भाभी अभी खेत में गई हैं घास लाने के लिए भैंस के लिए, और अभी हम भी नहा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा नाश्ता करते हैं, उसे पानी भी निकाल लेते हैं नहाने के लिए। ये टप में डाल देते हैं। हमने यहाँ पे टप में पानी भी भर दिया है, अब नहाते हैं ठंडे ठंडे पानी से क्या है, और अब कपड़े पहनते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा मार्केट भी जाते हैं। हमारे अभी कुछ पोखर से सामान मंगा रहे हैं। हाँ क्या लाना है? भूख लगने वाला टॉनिक लेके आना। अच्छा सा। अच्छा क्यों, भूख किसको नहीं लग रही है? मेरे को नहीं लग रही है। चलो भूख लगने वाली टॉनिक और क्या लाना है? अब बाकी रुपये वापस वापस आएंगे। हाँ। चलो ठीक है। आज क्या बना रखा है? लौकी की सब्जी बनाई है। वाव, थोड़ा सा लौकी की सब्जी भी ले लेते हैं और थोड़ा दही भी रख लेते हैं एक कटोरी में। एक कटोरी में थोड़ा दही भी ले लेते हैं क्योंकि बिना दही के तो मैं खाना नहीं खाता हूँ। ये भी है, ये देखिए दही भरा पड़ा है। वाव वाह, चलो इसमें से ले लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा दही थोड़ा चाहिए। तो अब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद पोखर भी जाना है, फटाफट निकलना भी है। घी लगा दिया हमने दोनों रोटी में और थोड़ा सा लौकी की सब्जी लेते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा आ रहा है। लौकी की सब्जी ये हमने कल रात में बनाई थी लेकिन सुबह खाने में इसका ज़्यादा बढ़िया टेस्ट रहता है दोस्तों। तो क्या अब थोड़ा दूध पी लेते हैं बॉम्बिटा के साथ। ज़्यादा हो गया? वाह वाह वाह, दोस्तों आप लोग भी दूध पिया करो। क्या है दोस्तों बॉम्बिटा के साथ? आप जरा मार्केट जाते हैं और भूख लगने वाली टॉनिक भी लेके आते हैं। गाड़ी को देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं हो रही, क्या हो रहा है इसका सिस्टम भी आज। हाँ स्टार्ट तो हो गई एक किक में, तो चलते हैं गाइस मार्केट। मार्केट में पहुंच चुके हैं हम चपला स्थान में। ये है SBI बैंक, यहाँ पे ट्रक आ रही है, देखो अन्नादा की दुकान यहाँ पे, ये साइड में चक्की। 99 का मॉल खुला हुआ है। डॉक्टर साहब जी राम राम, क्या हाल है? इधर तो देख लो कैसे हो। वो दवाई है भूख बढ़ने वाली, भूख लगने वाली, वो दवाई दे दो यार। ये आगे मेरे आते ही कस्टमर आते हैं, मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? फिर देखो तुम्हारे आते ही कस्टमर आते हैं ना। हाँ फिर तो मतलब भूख खुलेगी इससे पक्का? पक्का खुलेगा। तो कितने की है, कितना दूँ? ये इसका कितना दूँ? 125 क्यों यार, तुमने पहले बोला था डिस्काउंट भी लेकर। ये मत करो यार डॉक्टर साहब जी, बताओ क्या है। सही सही बताओ, ऐसे क्या है अपने रोज के कस्टमरों को तुम ऐसे परेशान कर रहे हो? बताओ ये भी है, ये कितने वाला है? ये 145।
रेट में मत जाओ, मतलब सही कौन सा है ये बताओ, मतलब जिसका असर ज्यादा रहेगा, मतलब भूख लगनी चाहिए। अब बाजू ने दवाई खा दी उसके बाद उनको भूख नहीं लगी तो क्या गारंटी है इसकी? है गारंटी, पक्की बात है? तो कौन सी ले जाओ तुम्हारे हिसाब से तीनों में से? तीनों में से कोई भी ले, तीनों चाहिए। चलो अभी इसको ट्राई करता हूँ और इसको अगर पीने के बाद अगर भूख बढ़ती है तब तो सही है। ये खाना हजम करने के लिए तो इसका कितना पैसा दूं मैं? खाना हजम होने इसका पैसा बताओ तुम। 140 ले। 140 नहीं यार, 130 कर लो। सही सही बताओ यार, सुबह का समय है, मैं सुबह इसीलिए आया हूँ अभी। ओरिजिनल दवाई इससे ज्यादा नहीं मिलते? ओरिजिनल है, हमें भी पता है ओरिजिनल तो है, तो लेकिन अब सुबह का समय है, तुम्हारा भी बोनी का है और इसीलिए सुबह आ रहा हूँ। 130 कर दो। नहीं यार डॉक्टर साहब, ये मिलता है मेरे को 5 रुपए, तुमको छोड़ दिया 5 रुपए मैंने। सही बात है, सही बात। खाली चूना लगा रहे हो यार। चलो रखो रखो फिर रखो, और कुछ टॉफी तो खिलाओगे एक दो? टॉफी खिलाओगे ना? चलो बढ़िया, चलो टॉफी खिला दो फिर हमें, एक बढ़िया हो जाएगा। कोई भी बढ़िया वाली दे दो, हाजमोला वाली दे दो, हाजमोला दे दो। दोस्तों डॉक्टर साहब जी ने 3 टॉफी दे दी है यहाँ पे और 140 रुपए काटे इन्होंने। और कस्टमर देखो, लाइन देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है हमारे आते, इधर दिखाओ ये देखो और आगे है दवाई लेने के लिए। दवाई खाई में कहीं जाओ ये क्या हो गया? कैसे ग्राहक आए? कैसे ग्राहक आए? अरे घुटने में पीड़ा रहे, थोड़ी कलर में ठीक है। दोस्तों अभी हम अपना यहाँ पे वेट भी नापने वाले हैं यहाँ पे मशीन पे, और देखते हैं हमारा वेट कितना आता है इसमें। मेरे हिसाब से 55 से तो ऊपर होना ही चाहिए। कितना है? 61.25। वाह वाह वाह, 60 किलो से ऊपर हो गया दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लाओ बकाई डबल दे दो, हंत कर रहा है घंटे, दिखाओ बकाई डबल दे दी। और दो फिर, और दो और दो, इतना से क्या होगा? 10 का नोट निकालो। एक गड्डी तो बाहर रख रहे तुम बोलिए, कहाँ चू गड्डी यार? गड्डी यार डॉक्टर साहब जी, ये नहीं को यार गड्डी सुन रहे, कितने रुपए कमा ली तुम भयंकर? एक शीशी बेच में 70 रुपए कमा ली। सही सही बताओ, ऐसे प्रॉफिट कितना हुआ इसमें तुमको? 5 रुपए बस। 5 रुपए होता तुम मेरे को 3 टॉफी खिलाते? नहीं, वो तो अपना, अच्छा वो तो अपना दोस्ती है। हाँ। ये तो है। डॉक्टर साहब जी हमारे काफी अच्छे मित्र भी हैं दोस्तों, कभी भी इमरजेंसी हो जाए डॉक्टर साहब जी को हम एक कॉल करते हैं, उधार में भी वो हमें दवाइयां दे देते हैं। कभी मना नहीं किया डॉक्टर साहब जी ने, आज तक किया कभी नहीं किया और आगे भी कभी नहीं करेंगे। यही हम डॉक्टर साहब जी से ऐसी भाई बंदी बनाए रखते हैं। तो चलिए अब हम घर की ओर चलते हैं। हमारी चक्की चपड़ास्तान की दीपू भाई की चक्की, देखो काम चल रहा है अभी यहाँ पे, इसमें गेहूँ पीस रहा है अभी ये, यहाँ पे बैठे अपने भाई लोग। जो भाई बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा। मामा का लड़का भी आने वाला है थोड़ी देर में, जब वो आएगा तो उसको लेके हम घर को जाएंगे, तब तक थोड़ा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चिता भी आ रखे अभी दुकान पे देखी ये पहुँची भाई, अभी हमारे छुट्टी आए हैं और आज इन्हीं की पार्टी भी लेनी है हमने। चेतन भाई बढ़िया हो रहे हो? बढ़िया भाई। कितने टाइम का छुट्टी आया हुआ अभी? 2 महीने हो गया सर। 2 महीना? अच्छा, आ चुके हैं और थोड़ा देर यहीं पे रेस्ट करेंगे, मैगी खा लेते हैं थोड़ा। मैगी भी यहाँ पे आ चुकी है और चेतन भाई की तरफ से पार्टी है। कल चेतन भाई ने अपनी यहाँ पे छुट्टियाँ भी खत्म करके जा रहे हैं, कल जाना है। ड्यूटी कहाँ है अभी? अभी जम्मू में। जम्मू में, चलो बढ़िया है यार भाई। घर की ओर चलते हैं, एक बार गाड़ी का थोड़ा दिखाइए अपना पावर कैसी है गाड़ी की। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर की ओर। भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे मुकोट से अभी, और सब बढ़िया? सफर कैसा रहा? बस बढ़िया। बढ़िया रहा सफर? हाँ। चलो बढ़िया, बाकी बातें करते करते हैं, ठीक है? ठीक है। भाई को लेके अभी हम घर भी आ चुके हैं। चलिए सूरज भाई अंदर, मम्मी से मिलाते हैं तुम्हें। हमारे फोन आ गए हैं, आओ सूरज भाई आओ, आइए आइए आइए। ये सूरज भाई अंदर आ गए हमारे फोन। और ये देखो दोनों देवरानी जेठानी सोए हैं, ये देखो ये देखो छिप रहे हैं। पानी ला गई है सूरज के लिए। सूरज भाई का मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बाल देख के मजा आ गया। वाह वाह वाह, भोले भगत हैं, भोले भगत। तो ये बाल अब कब कटाओगे सूरज भाई? आओ
इनका भी कुछ बता नहीं है, कभी भी कर सकते हैं कभी भी। लेकिन ये कहते तो नहीं है, पिछले कितना टाइम से रखे? ये 1.5 साल से ऊपर। 1.5 साल से ऊपर, बाबा हो गजब। ये देखिए, और भाभियों को भी दे दिया है सूरज ने अपने। ये देखो पास्ता खा रहे हैं। अच्छा हो रहा है पूजा पास्ता? भोजी कौन सा पास्ता बढ़िया लागू सा? बढ़िया हो रहा ना? ये सूरज भाई और आज पास्ता लाए हैं, मम्मी को भी दे दिया है, मुझे भी दे दिया है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में नए अंदाज में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।